देखिए जनाब, इस भारत न्यूज आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। पंचायत सदस्य पद से दिया इस्तीफा, बिजनौर की बड़ी खबर। बिजनौर में अफसरों की अनदेखी से परेशान होकर जिला पंचायत निर्माण समिति की सदस्य जैबा अनवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैबा अनवर के पति अनवर हुसैन का हथियार लाइसेंस कुछ दिन पहले डीएम ने निरस्त कर दिया था, जिससे नाराज होकर जैबा अनवर ने ये कदम उठाया। जैबा अनवर के पति अनवर हुसैन ने अफसरों पर आरोप लगाया है कि जनता की शिकायतें अफसरों के दरबार में दम तोड़ रही हैं। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए आगे क्या हुआ। बिजनौर जनपद की जिला पंचायत निर्माण समिति की सदस्य जैबा अनवर ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। इस इस्तीफे की मुख्य वजह उनके पति अनवर हुसैन का हथियार लाइसेंस निरस्त होना बताया जा रहा है। जैबा अनवर के पति अनवर हुसैन ने आरोप लगाया कि जनता की शिकायतें अफसरों के पास जाकर दम तोड़ रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस घटना से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। बाइट इक्वल्स जिला पंचायत सदस्य जैबा के पति अनवर हुसैन। किन वजहों से इस्तीफा दिया? हमने जो इस्तीफा दिया है वो इसीलिए दिया है, क्षेत्र की लगभग एक जिला पंचायत मेंबर के क्षेत्र में 35 से 40 हज़ार वोटिंग होती है। अब जब जनता ने हमें चुना और उनके समस्याओं का समाधान हम नहीं करा पा रहे हैं, काफ़ी कोशिश की, काफ़ी संघर्ष किया, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और कोशिश वो कहीं ना कहीं प्रशासन की चौखट पर आकर दम तोड़ देती है हमारी कोशिश। तो इसलिए हम अपना जिम्मेदारी से जिला पंचायत के पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं। किस वजह से समाधान नहीं हो पा रहा था? समाधान ये नहीं हो पा रहा था, एक तो इसका अभी लेटेस्ट बात यह है, अभी हाल ही में लगभग 15 दिन पहले 2 साल से बराबर में डीएम साहब के ऑफिस में कार्यालय में जाकर दस्तक दे रहा था। मेरा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल कोई मुकदमा नहीं है। कोरोना काल के 1-2 मुकदमे लगे थे जो सरकार ने वापसी ले लिए थे, उसके बावजूद भी डीएम साहब ने मेरा लाइसेंस शस्त्र का निरस्त कर दिया और इसके साथ साथ और भी काफ़ी समस्याएँ हैं जिसको लेकर मैं इस्तीफा दिया। तो जो निरस्तीकरण हुआ है आपके लाइसेंस का, तो इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की या जिला पंचायत कार्यालय की कोई भूमिका है? ये कार्यालय की भूमिका ये है, जब हमें जनप्रतिनिधि होने के बाद जायज, जिसमें हमारा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, हम अपने शस्त्र को नहीं बचा सकते हैं जो सरकार ने हमें हमारी सुरक्षा के लिए दिया था, तो फिर हमें जिला पंचायत पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जब एक जनप्रतिनिधि अपने ही काम नहीं करा सकता है, अपने हित की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो फिर जनता की लड़ाई कैसे लड़ेगा? अच्छा, इस पद पे जो है जेबा जो है आपकी वाइफ सदस्य थी और आपकी भाभी भी हैं जी, तो आपने जेबा जी का ही दिलवाया? मैंने अपनी पत्नी का दिलवाया है, जो दूसरा हमारे भाई है जो जिला पंचायत मेंबर है, उसके बारे में भी डिस्कस चल रही है, उसका भी कोई ना कोई निर्णय, कुछ ना कुछ सोच विचार हम जल्द से जल्द। क्या क्या इसका मुख्य कारण ये माना जाए जो लाइसेंस निरस्तीकरण हुआ है उस वजह से आपने इस्तीफा? कारण तो छोटे मोटे और भी काफ़ी है, ये कारण तो मैंने वो बताया जो हाल फिलहाल की घटना है, जिसको आप तफ्तीश कर सकते हो, जानकारी कर सकते हो। अभी ये ज़्यादा टाइम पुरानी नहीं, 10 दिन पहली बात है ये, जो हमारा शस्त्र का लाइसेंस निरस्त किया गया। और काफ़ी समस्याएं इस तरह की हैं, बिजली डिपार्टमेंट की है और जनता की, मैं समझता हूँ काफ़ी समस्याएं इस तरह की है जो सही होने के बाद भी हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो अधिकारियों की चौखट पर आकर वो दम तोड़ देते। जिला पंचायत की ओर से जो विकास कार्य कराए जाते हैं, तो उधर कुछ कराया गया आपके एरिया? हाँ, हमारे एरिया में विकास कार्य कराया गया है और विकास कार्य के लिए तो अभी लगभग 1.5 साल का समय बचा हुआ है, 1.5-2 साल का कार्यकाल। तो आप निर्माण समिति के सदस्य भी हैं, उसमें आपका कोई काम वगैरह नहीं हो पाया उसकी वजह से? जिला पंचायत के विकास के कार्य हमारे पूरे क्षेत्र में हुए हैं, आपको मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि जो जनता की जिला पंचायत के विकास के कार्यों से अलग जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, उनकी और भी राइट होते हैं, और भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारी निभाने में हम विफल हुए, नाकाम हुए। जैसे कि बिजली की समस्या है, बिजली के नाम पर गांव-गांव जाकर गरीब जनता को बिजली के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, और भी तमाम समस्याएँ हैं जो नहीं होती। एक जिला पंचायत से जो क्षेत्र के गांव से गांव को मिलाने के विकास कार्य है, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधि की और भी काफ़ी जिम्मेदारी है। ठीक।